केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के समर्थन में आज एक किसान सम्मेलन का आयोजन मुरादाबाद के पंचायत भवन के जिगर मंच पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के जल विभाग, जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री और मुरादाबाद जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह पहुंचे। किसान सम्मेलन में किसान को संबोधित करते हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किसानों को बताया कि किसान हमारे लिए भगवान है। देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसानों के हित में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई हैं वह भारतीय जनता पार्टी ने की हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के हित में तमाम योजनाएं लागू की गई हैं, जिसके माध्यम से भारत का किसान बहुत खुशहाल हुआ है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए किसानों को बरगलाने का काम कर रही हैं। कुछ अराजक तत्व किसानों के बीच में आ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां उनका जो राजनीतिकरण कर रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार किसानों से हर तरह से संवाद करने को तैयार है। केंद्र के द्वारा किसानों को खुला आमंत्रण दिया गया है। हम किसानों से कहते हैं कि आप लोग भ्रमित ना हो। किसान देश में मोदी और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर बाल संरक्षण आयोग के प्रदेश अध्यक्ष विशेष गुप्ता, खादी ग्राम उद्योग के मंत्री गोपाल अंजान, नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, पूर्व MLC जयपाल सिंह, व्यस्त MLC हरी सिंह ढिल्लो आदि भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है, उसी को आज बताने के लिए मैं किसानों के बीच में आया था। मंत्री जी, अभी एक मंच पर एक बात कही गई कि जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ दंगाई है, क्या कहें इसको? नहीं, मैंने इस बात को नहीं कहा है। मैंने कहा कि जो मीडिया और बाकी लोग बता रहे हैं उस आधार पर अराजक तत्व जिस तरीके से उसके किसानों के बीच में आ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण कर रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। किसानों के हर तरीके की समस्या के समाधान के लिए और सरकार संवाद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। खुला आमंत्रण दिया है हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कि आप बात करिए, अगर आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। किसान विरोध कर रहे हैं, उसके बाद में भाजपा किसान सम्मेलन कर रही है, उनसे बात कर... कोई भी किसान पूरी तरीके से भारत का किसान और उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसान पूरी तरीके से खुशहाल है। अब तक जितनी योजनाएं लागू की गई वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। किसान फसल बीमा योजना देने का काम किया, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि देने का काम किया। हर किसान के लिए हर तरीके की सुविधा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वन नेशन वन मार्केट के माध्यम से, ई मार्केटिंग के माध्यम से, मूल्य निर्धारण करने के माध्यम से, भंडारण करने की क्षमता बढ़ाने के माध्यम से, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके किसानों को बहुत सारा लाभ पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है और आगे भी किसानों की हर समस्या का समाधान करेंगे और पूरी तरीके से हम सब किसान के साथ। मंत्री जी, इस तरह के कार्यक्रम करने के बाद क्या भाजपा किसानों को साधने की कोशिश कर रही है या जो नाराज है उन्हें मनाने की कोशिश है? किसान पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। किसानों को जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो झूठ उनको बताया जा रहा है, उन सच बातों को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और किसान आंदोलन को राजनीतिकरण करने के लिए जो काम कर रहे हैं उससे भ्रमित ना हो किसान। इसके लिए हम सब लोग जो काम भारत की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने किया है वो किसानों के बीच में पहुँचाने के लिए हम लोग इस तरीके का कार्यक्रम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि यूपी में इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, पूरा भारत में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत में जीत रही है। यहाँ योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी सराहना WHO ने भी किया, इस स्तर पर सराहना हो रही है और सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश नंबर एक के स्थान पर है और हमको लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से कार्यकर्ताओं के आधार पर, किसानों के आधार पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त करेगी।